जो कहा जा सकता है, जो शब्दों में समा सकता है, वो सत्य नहीं है। जो सत्य है वो शब्दों में समाता नहीं। सत्य निःशब्द है, सत्य शब्दों का अतिक्रमण है। हमेशा ही ये कठिनाई पैदा होती है, जो जाना है उसे कहा कैसे जाए। कितना भी मैं आपसे कहूं, कितना ही प्रयास करूं, अनुभव को कह पाना असंभव है। इसीलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो मैं आपसे कहता हूं वो आप समझ नहीं पाते, और जो आप समझते हो वो मैंने कहा ही नहीं। आज एक अलग ढंग से, एक बिल्कुल नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि आपको कुछ ऐसा कह सकूं जिसे कहा नहीं जा सकता। आज असंभव को संभव करने का एक और प्रयास करने जा रहा हूं। तो पहले तो इतना जान लें कि जिसे कहा नहीं जा सकता, जो शब्दों में नहीं आता, जो असंभव है, उसे समझना कितना कठिन होगा। आज के विषय को केवल वही मित्र समझ पाएंगे जो सत्य को जानने की प्यास से भरे हैं, जो भटक रहे हैं कि किसी तरीके से जीवन का रूपांतरण हो जाए, किसी तरीके से वो मिल जाए जो किसी को नहीं मिलता। आज मेरे बोलने को ही आप अपना ध्यान बना लें, एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान ना भटक जाए, कुछ भी चूक ना जाए जो आप ना सुन सको। इतनी ज्यादा शक्ति लगानी है, केवल एक ही बार नहीं, इसे बार बार सुनना है, बार बार पूरी ऊर्जा से सुनना है और समझना है। ऐसा तो सभी मित्र कहते हैं कि ध्यान में प्रवेश करना है, परमात्मा को अनुभव करना है, आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं के भीतर प्रवेश करना है। बार बार पूछते हैं कि कैसे जाने, कैसे करें, क्या करें। पाना तो परमात्मा को चाहते हैं, लेकिन बिना कोई कष्ट उठाए, बिना कोई कीमत चुकाए, ऐसे ही फ्री में, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा। और स्वयं को जानने की, परमात्मा को अनुभव करने की कीमत आप अपने रुपए पैसों में बाहर की धन दौलत से नहीं चुका सकते। पूरे संसार का धन भी आपके पास हो तो वो सब कचरा है। धन से चुका सकते तो बहुत से धन कुबेर बैठे हैं, कभी की चुका देते। इसकी कीमत तो ऐसी है जो आपके स्वयं के परिश्रम से, आपकी स्वयं की प्यास से, अपने स्वयं की आहुति देकर चुकाई जाती है। इसकी कीमत आपकी तपस्या है, वो तपस्या नहीं जिसे आप तपस्या समझते हैं। जैसे कोई कड़कती गर्मी में धूप में खड़ा हो जाता है, या कोई एक पैर पर खड़ा होकर समझता है कि वो तपस्या कर रहा है। कोई भूखा मरता है, व्रत उपवास करता है, तो कोई अपने शरीर को तरह तरह के कष्ट दे रहा है, और भी ना जाने क्या क्या तपस्या के नाम पर हो रहा है। ये सब तो पागलपन है, अंधापन है, मूर्ता और मूर्खता है। जो इन रास्तों पर जाता है वो अत्यंत मंदबुद्धि है। बुद्धिहीन व्यक्ति ही ऐसे प्रपंच कर सकता है। जिसमें जरा सी भी बुद्धि है वो जरूर विचार करेगा कि इस सब को करके आखिर हो क्या रहा है, शरीर को यातनाएं देकर ये कौन सा मार्ग हुआ जिससे मैं स्वयं को जान सकता हूं, कैसे जान सकता हूं।
फिर तपस्या क्या है? तपस्या के असली अर्थ क्या है? कैसे करें? कौन सी साधना करें? एक एक बात को आज आप पूरे होशपूर्ण होकर बहुत ही सरलता से जान जाएंगे। आज का विषय कुछ ऐसा है जिसके लिए कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यति, जो न कभी हुआ है न कभी होगा। ऐसी घटना कभी कभार ही घटती है, वो भी इस विराट ब्रह्मांड की असीम कृपा बरस जाए तभी संभव हो सकती। न मेरी न किसी और व्यक्ति की ये क्षमता ही नहीं कि इसे कह सके या समझा सके। लगातार कितने दिनों से मैं सोच रहा था कैसे आपको समझाऊं, वो कौन सा तरीका है जो इतना सरल हो जाए कि जो कोई भी समझना चाहे, जो भी इस मार्ग पर चलना चाहे, उसके रास्ते के सारे कांटे और सारी कठिनाइयां दूर हो जाए, वो साफ सुथरे मार्ग पर चलते हुए अपनी मंजिल को सहजता से ही पाले। आज जो भी हो रहा है वो उसी शक्ति का एक चमत्कार है, उसी की अनुकंपा है, उसी का प्रसाद है। आप इस प्रसाद को कैसे ग्रहण करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना इस विषय के लिए समर्पित हो पाते हैं ये आपकी क्षमता है। आप अपनी ऊर्जा का कितने प्रतिशत इसमें झोंक सकते हैं ये आपकी समझ है। आज के विषय को एक सागर की तरह लेकर आपके पास आया हूं, लेकिन आपका बर्तन कितना बड़ा है, उसमें आप कितना सागर ले सकते हैं ये आप सोच लें। इतना और आपको बता दूं कि आप सभी की क्षमता है पूरा सागर पी जाने की, प्रकृति ने ही आपको यह क्षमता दे रखी है। आप अपनी क्षमता का कितना उपयोग करते हैं ये आप पर है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आज पहली बार कह रहा हूं। आप सभी ध्यान में उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपके सभी प्रयास विफल होते हैं, होंगे ही, क्योंकि जिसे आप ध्यान समझते हैं उससे दूर दूर तक भी ध्यान का कोई संबंध नहीं। काश के मैं आपको बता सकूं कि ध्यान क्या है, काश के आप समझ पाए कि यहां आपके पूरे जीवन में ध्यान से बाहर कुछ भी नहीं। ये बहती हुई हवाएं, ये रंग बिरंगे पक्षी, गिरते हुए झरने, आकाश में उड़ते बादल, ये सूरज चांद सितारे, पूरी प्रकृति का कलरव, रेत का एक एक कण, यहां जो कुछ भी है, जो भी मौजूद है, जो भी दिखाई देता है या सुनाई देता है, या जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ध्यान से बाहर हो। यहां ध्यान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा सारी सृष्टि में फैला है। आप मंदिर में रखी पत्थर की एक मूर्ति में परमात्मा को खोज रहे हैं, यही आप ध्यान के साथ कर रहे हैं। ध्यान में उतरना चाहते हैं तो इसी पल में अभी ध्यान घट जाएगा, बिना किसी प्रयास के। मुझे सुनते सुनते ही ध्यान घट जाएगा, मेरा बोलना, आपका सुनना, यहां सब कुछ ध्यान ही है। ध्यान वास्तव में एक औषधि की तरह है, एक दवा की तरह है। मेडिटेशन और मेडिसिन, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। ध्यान की आवश्यकता है क्योंकि आप बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं,
मन के तल पर आप अस्वस्थ हैं, क्योंकि आप दुख में हैं, आप अशांति में हैं, आप चिंता में हैं, आप निराशा से घिरे हैं। ये आपके बीमार होने के प्रमाण हैं। अगर आप स्वस्थ हों तो आपको किसी ध्यान की, किसी साधना की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप बीमार हैं क्यों? आप जब जन्म लेते हैं, जब आप संसार में आते हैं, तो सब ठीक होता है। फिर ऐसी कौन सी घटना घट जाती है कि धीरे धीरे ये सभी बीमारियां आपके मन में पैदा होने लगती हैं? इस सारे खेल को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसे समझे बिना आप कभी भी अपनी बीमारियों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जहां से इन बीमारियों के कीटाणु आ रहे हैं, उस रास्ते को तुरंत बंद करना जरूरी है। लेकिन बंद तो तभी आप कर पाएंगे जब आप इन रास्तों को पहले पहचान सकें, आप इन्हें देख सकें, समझ सकें। समझ में आ जाना ही उपचार है। समझ में आया और सब छूट गया, रोशनी हुई तो सब स्पष्ट हो गया। जरा ठीक से देखें कि जीवन का दुख क्या है। और मैं पूरा जोर देकर कहता हूं कि जीवन दुख नहीं है, जीवन को दुख आप बना रहे हैं। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, ये कोई मृत्यु के बाद के विषय नहीं है। ये अभी आपके सामने, आपके जीवन में ही मौजूद है। किसी आने वाले कल में स्वर्ग नहीं, अभी के पल में है। जो इससे चूका वो हमेशा के लिए चूक गया। स्वर्ग और नरक आपके ही मन की अवस्थाएं हैं, आपका ही चुनाव है। आपके जीवन में इतना अंधेरा है कि आप देख नहीं पाते कि आपको कोई दूसरा नरक नहीं दे रहा, आप ही इसे चुनते हैं। हर एक पल में, हर रोज आप इसे चुनते हैं। नरक का अर्थ है आपका दुखी अशांत जीवन, आपका निराशा, उदासी और चिंता से भरा हुआ जीवन। कभी एक पल को भी आपको ख्याल नहीं आता कि आप इसे ठीक से जांच लें, परख लें, खोज लें कि क्यों है आपके जीवन में यह सब। आप अपनी किस्मत को दोष देते चले जाते हैं। आपकी हालत ऐसी है कि आप चारों तरफ से अदृश्य बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आप अपने ही बनाए पिंजरों में कैद हैं। और मजा इस बात का है कि आप जिस क्षण चाहें इन सब को एक पल में तोड़कर आजाद हो सकते हैं। आप खुले आकाश में बहती हुई हवाओं के साथ नाच सकते हैं। आप जीवन के परमानंद को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसका कभी आपको ख्याल भी नहीं आता। जरा देखो और पहचानो अपनी बेड़ियों को, अपने पिंजरों को, जिनमें आपने स्वयं ही अपने को कैद करके अपने आनंद के सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं। इसे पहचानने के लिए आपको अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी शिक्षाओं से, तथाकथित मान्यताओं से मुक्त होकर केवल अपनी बुद्धि से विचार करना पड़ेगा, केवल अपने ही अनुभव से जानना पड़ेगा। यहां आपका केवल एक ही गुरु हो सकता है, वो है आपके सामने फैली पूरी प्रकृति। कोई इंसान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई ग्रंथ या शास्त्र नहीं, साक्षात प्रकृति, साक्षात सृष्टि। इससे ज्यादा प्रमाणिक और कुछ भी नहीं।
आपको दिया गया सारा ज्ञान झूठा हो सकता है, आपको दिए गए सारे नियम गलत हो सकते हैं, आपके सभी तथाकथित धर्म, आपकी जाति पाति, आपके बंधन, सभी कुछ गलत और झूठा हो सकता है, आपको भ्रमित करने वाला हो सकता है। लेकिन यह सृष्टि, यह प्रकृति कभी झूठी नहीं हो सकती। आपके बनाए नियम गलत हो सकते हैं, गलत ही हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इन्हीं नियमों ने आपको दुख में धकेल दिया, लेकिन प्रकृति के नियम कभी गलत नहीं हो सकते, कभी झूठे नहीं हो सकते, जो कि शाश्वत। जो भी प्रकृति को गुरु बनाएगा वो पार हो जाएगा, नहीं तो आपके सारे संसार के सभी गुरु, और ठीक से समझ लें, मैं कह रहा हूं सभी गुरु केवल भटका देंगे। कितने ही मित्र मुझे अपने कमेंट्स में बार बार लिखते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, और मैं आपसे कहता हूं कि गुरु ही रुकावट है। भूल कर भी मत बनाना किसी को गुरु। जरा सोचो, थोड़ा तो सोचो कि किसने इस बात को प्रचारित किया होगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इन्हीं गुरु घंटालों ने, और कौन कहेगा ऐसी बात, यही कहेंगे, यही इस बात को प्रचारित करेंगे। इनका धंधा आपसे ही चलता है, अपनी मार्केटिंग तो ये करेंगे। मैं इतना हैरान होता हूं कि क्या हम इतने बुद्धिहीन हैं, क्या हम इस हद तक मूर्ख और मूढ़ हैं कि इनकी ऐसी ऐसी बकवास को हम परम सत्य मान लेते हैं। एक गुरु घंटाल, एक महा अज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति जिसने अपने इर्द गिर्द लाखों मूर्खों को इकट्ठा कर रखा है, वो कहता है कि अगर किसी स्त्री को बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो पहले गाय को गेहूं खिलाओ, फिर जब वो गोबर करे तो उस गोबर में से अनाज के दानों को निकालकर उसके आटे से रोटी बनाकर खाए तो अवश्य ही बच्चा पैदा होगा। और उसके चेले चांटे इसे सत्य मान रहे हैं और इतनी घृणित और गंदगी को खा रहे हैं। मल और मूत्र चाहे किसी का भी हो, इंसान का हो या गाय का, शरीर गंदगी को ही बाहर फेंकता है। आज विज्ञान के युग में जब हम सक्षम हैं, सभी चीजों का रासायनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते हैं, फिर भी इतनी मूर्खता, फिर भी इतना अंधविश्वास, और आप चाहते हैं कि आप सत्य की खोज कर लें। एक छोटे से सत्य को जिसे आप प्रमाणित कर सकते हैं, उस तक को जानने की आपकी क्षमता नहीं। आप प्रकृति के विराट सत्य को जान लेंगे, ये असंभव है। काश के हमारे संसार में एक विचार पैदा हो जाए कि क्यों हमारा संसार दुख में है, क्यों हम इतने अशांत हैं, आखिर इसके कारण क्या है। तो जरा भी देर नहीं लगेगी, हम जान जाएंगे कि हम ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। ऐसे ऐसे गुरु घंटालों ने इतनी घृणा फैलाई है, इतने अंधविश्वास फैलाए हैं, इतना लोगों को डराया है, कभी शास्त्रों का सहारा लेकर, कभी ग्रंथों का हवाला देकर, कभी कर्मों के कारण, कभी पाप पुण्य के कारण मन में डर बैठाए हैं। अध्यात्म के नाम पर कहां कहां शोषण नहीं हो रहा, कहां कहां विष नहीं फैलाया जा रहा, परमात्मा का नाम लेकर कितना डराया जाता है। परमात्मा पर सवाल उठाओ तो ये परमात्मा के भी प्रमाण देने लगते हैं
कैसे मूर्ख है जो परमात्मा के अस्तित्व को साबित करने के लिए मूर्खतापूर्ण प्रमाण देते। कौन परमात्मा का प्रमाण दे सकता है? किसकी क्षमता है कि वो विराट का प्रमाण दे सके? कितनी बार मैंने आपको समझाया कि जरा पूरे ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व के अनुपात को तो देख लें। जिसे तुम पूरा देख भी नहीं सकते, पूरा तो क्या, जिसके 0.00001% को देखने तक में सक्षम नहीं हो, तुम उसका प्रमाण दे रहे हो। फिर तो तुम परमात्मा से भी बड़े हो गए, क्योंकि तुम ही उसको प्रमाणित कर रहे हो। तुम प्रमाणित करो तो परमात्मा है, नहीं तो नहीं। तथाकथित धर्मों ने जिस परमात्मा की स्थापना की है, जिस परमात्मा का निर्माण किया है, जरा उस परमात्मा पर एक दृष्टि डालें। ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया। इनका तर्क है कि बिना बनाया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर अगर इनसे पूछ लो कि फिर परमात्मा को किसने बनाया, क्योंकि तुम ही तो तर्क दे रहे हो कि बिना बनाया कुछ भी नहीं हो सकता, तो फिर परमात्मा कैसे बिना बनाया हो सकता है? यहां फिर ये अपने ही तर्क को काट देते हैं। इनसे पूछो, ये कैसा तरीका है कि तुम कुछ भी कहो, कितना ही असत्य बोलो और लोगों से अपेक्षा करो कि वो मानते चले जाए? जरा सोचो कि चलो ठीक है, एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, लेकिन प्रश्न है कि क्यों बनाया? ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई थी? ऐसी क्या परमात्मा की आकांक्षा थी? तुम तो कहते हो कि परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ है जिसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तो वो पूर्ण कैसे हो सकता है? इसका अर्थ हुआ कि परमात्मा अभी अधूरा है, अभी तो बहुत कुछ बनाना है। या फिर सृष्टि की रचना से पहले वो अपूर्ण था, अपूर्ण हुआ, सृष्टि को बनाकर पूर्ण हुआ। चलो इससे भी आगे देखते हैं। ब्रह्मांड को बना दिया, आज हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है। आज से कोई 6 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर केवल डायनासोर थे, मानव तो अभी पैदा ही नहीं हुआ था। दूसरे जीव जंतु और डायनासोर्स का राज्य। जरा सोचो कि क्यों बनाए डायनासोर? फिर भगवान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ओहो, मुझे तो मानव को बनाना है। करोड़ों करोड़ों और जीव जंतु बना दिए, बैक्टीरिया बना दिए, वायरस बना दिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और न जाने क्या क्या सब बनाया, मानव को बनाया। लेकिन फिर ना किसी पेड़ पौधे की, ना किसी जीव जंतु की, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं। एक मानव पर आंख गड़ाकर परमात्मा बैठ गया कि देखूं कहीं कोई पाप तो नहीं कर रहा, कहीं कोई बुरा कर्म तो नहीं कर रहा। जो भी मानव कर रहा है, कोई अच्छा कोई बुरा, उन सब का रिकॉर्ड रखना है। फिर अभी तो जो कोई बुरे कर्मों के मजे लूट रहा है, उसे लूट लेने दो, बाद में जब ये मर जाएगा फिर इसका खाता खोलूंगा। बेचारा परमात्मा अब तक तो थक कर चूर हो गया होगा, सो भी नहीं सकता एक पल को भी। क्या भरोसा परमात्मा सोया रह जाए और पीछे से कोई पाप कर दे? क्या इसको सोचने में भी कोई रॉकेट साइंस है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, जिसने हम सबको बनाया, तो ऐसा बनाया ही क्यों कि कोई पाप कर सके? पहला प्रश्न तो जरूरत क्या थी,
पूर्ण है, रहे अपने मजे में। पूर्ण को तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर पंगा लेना ही था तो फिर ठीक ठीक रचना करनी थी। कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कितने पत्ते हिल रहे हैं, असंख्य है। हर एक के हिलने में उसकी मर्जी। तुम कितना भी बकवास करो बिना किसी प्रमाण के, फिर प्रमाण देने वाले भी आ जाते हैं जिनको साधारण विज्ञान की भी समझ नहीं, एक आठवीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान की भी समझ नहीं, वो परमात्मा का प्रमाण दे रहा है। अभी मैं एक वीडियो में सुन रहा था, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, 1,20,00,000 सब्सक्राइबर, एक पूरी जमात। वो समझा रहे हैं कि अगर 15 करोड़ बंदर 15 करोड़ वर्षों तक टाइपराइटर पर, टाइप करने वाली मशीन पर अपनी उंगलियां मारते रहें, तो क्या एक गाना भी लिखा जा सकता है? वो कहते हैं कि जब एक गाना भी नहीं बन सकता तो पूरा ब्रह्मांड बिना किसी के बनाए कैसे बन सकता है? समझ नहीं आता कैसे कोई इतना मंदबुद्धि हो सकता है। इस उदाहरण को, परमात्मा ने सृष्टि को बनाया इसका प्रमाण देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आपने परमात्मा को देखा है, अनुभव किया है? वो कहते हैं कि नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई परमात्मा है? क्या है प्रमाण? वो उसे बाहर ले जाकर नारियल के पेड़ को दिखाकर पूछते हैं कि देखो नारियल कितनी ऊंचाई पर लगे हैं, बिना किसी मोटर के, बिना किसी पंप के पानी नारियल में कैसे पहुंचता है? अब ये तो हद हो गई। इस प्रश्न का उत्तर तो एक आठवीं कक्षा का बच्चा भी दे सकता है जिसने ठीक से विज्ञान को पढ़ा हो, कि डालियों से, पत्तों से जो पानी वाष्प बनकर उड़ता है वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसके कारण किसी भी पेड़ में पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। इतना भी ना पता हो तो फिर तो हमारे संसार की हर एक वस्तु अपने में आश्चर्यजनक है। हम उनको देखने के आदि हो गए हैं, इसलिए कुछ अजीब नहीं लगता। नहीं तो यहां जो भी देखोगे, जिसको भी समझने जाओगे, पानी की एक एक बूंद, एक खिला हुआ फूल या सृष्टि के अन्य नजारे, सब कुछ आश्चर्यजनक है। और तो और, आपका होना भी, आपका इस संसार में अस्तित्व भी आश्चर्यजनक है। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि आप यहां किसी भी वस्तु को नहीं जानते, आप केवल वस्तुओं के नाम रखते हैं, नाम के सिवाय तो आप कुछ भी नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि पानी क्या है? क्या आप जानते हैं कि एक फूल क्या है? इस फूल का सौंदर्य क्या है? नहीं, आप कुछ भी नहीं जानते। जितना गहरे इन प्रश्नों में आप जाएंगे, इसका उत्तर देना उतना ही कठिन होता चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों आए? आप देख पाए तो यहां सब कुछ एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसे जाना ही नहीं जा सकता। केवल इतना ही नहीं कि नारियल में पानी कैसे पहुंचता है, सब कुछ एक रहस्य है। अभी तक परमात्मा का काम पत्तों को हिलाना था, अपनी सहमति देनी थी कि हाँ ठीक है, चलो अब हिलो। कितना हिलो, किस डायरेक्शन में हिलो? अभी ऊपर तक पानी पहुंचाने का काम भी परमात्मा के हिस्से आ गया। अब तक इतने सारे काम करते करते परमात्मा की क्या गत बन चुकी होगी,
इसका तो अंदाजा भी लगाना कठिन है। पत्ता तो परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, लेकिन इंसान हिल सकता है। वो बुरे कर्म कर सकता है, बुरे कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है। पता नहीं क्या क्या बकवास बोली जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे संसार में कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। डर, डर और डर, यहां से डरो, वहां से डरो, नरक से डरो, 84 लाख योनियों से डरो। अब यहां भी बड़े मजे की बात है कि आप अगर बुरे कर्म करोगे तो आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर दुखी हैं तो ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। फिर बुरे कर्मों के कारण आप क्यों मनुष्य योनि में आ गए? आप क्यों नहीं गए 84 के चक्कर में? तथाकथित धर्मों को, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, एक ही तरीका मिला है कि डरा दिया जाए, बुरी तरह से डरा दिया जाए कि डर के कोई बुरे काम ना करे। कितनी मूर्तापूर्ण सोच है। क्या नतीजा निकला? क्या बुरे कर्म बंद हो गए? एक बात निश्चित रूप से जान लेना, डरा हुआ आदमी कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता के लिए निडरता चाहिए, साहस चाहिए, शक्ति चाहिए। सत्य की खोज डरपोक नहीं कर सकते। डरपोक के जीवन में कभी आनंद की घटना भी नहीं घट सकती। परमानंद की तो बात ही छोड़ दो। काश के एक बार आपकी आंखें खुल जाए, काश के आप देख पाएं कि यही तथाकथित धर्म जिन्होंने मानव को मानव से अलग किया, जिन्होंने घृणा के बीज बोए और अभी भी बो रहे हैं, यही रूढ़िवादी अंधविश्वासी लोग हमारे संसार को स्वर्ग से नरक बना रहे हैं। नरक है जहां जीवन दुख है, स्वर्ग है जहां जीवन प्रफुल्लित है, जहां आनंद की हवाएं चलती हैं, जहां जीवन में निडरता है, जहां प्रेम की वर्षा हो रही है, जहां घृणा नहीं, जहां जीवन में फूल ही फूल खिले हैं। और यह सब हो सकता है, ऐसा संभव है। जीवन स्वर्ग ही है, हमने ही इसे नरक बनाया है। जाग जाओ तो स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, सोए रहो तो नरक में जियो। जागोगे तो जान जाओगे कि सारा संसार, सारी सृष्टि विपरीत शक्तियों से निर्मित हो रही है। जहां रात है वहीं दिन भी है, जहां सफेद है वहां काला भी है, जहां पानी है वहां आग भी है, और जहां अमृत है वहां विष भी है। कभी आपने शिव की तस्वीर को देखा है? वो अर्धनारी ईश्वर जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का, आधा नर और आधा नारी का। निश्चय ही जिन्होंने इस तस्वीर को बनाया वो बहुत गहरी समझ के मालिक रहे होंगे। अगर आप देख पाए तो उस तस्वीर में सृष्टि का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सबसे पहले एक नर और नारी एक ही साथ, दोनों विरोधी लिंग एक साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक ही जगह। फिर शिव के सिर से निकलती गंगा अर्थात पानी, और तीसरे नेत्र से निकलती आग, दो विरोध एक साथ। माथे पर चंद्रमा अर्थात अमृत, और गले में विष, गर्दन में सांप और हाथ में फूल, त्रिशूल और त्रिशूल पर टंगा डमरू यानी के संगीत।
शिव को केवल समझाने के लिए मानव शरीर में चित्रित किया गया, वो सिंबॉलिक है। वास्तव में शिव है पूरा ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड की रचना विरोधी शक्तियों के कारण है। यहां जो कुछ भी आप देख पाते हैं एक दूसरे के विरोध के कारण ही अस्तित्व में है, फिर चाहे वो अच्छाई बुराई हो, चाहे वो पाप पुण्य हो, चाहे ठीक गलत हो, चाहे रोशनी और अंधेरा, जो भी है विरोध के ही कारण है। ठीक ऐसे जैसे आप दो डंडों को एक दूसरे के विरोध में अंग्रेजी के ए अक्षर के आकार में खड़ा करें, एक डंडा दूसरे डंडे के विरोध में है, दूसरे डंडे को धक्का दे रहा है, लेकिन इसीलिए वो दोनों खड़े हो पाते हैं। एक को हटाओ, विरोध को खत्म करो, तो दूसरा तुरंत गिर जाएगा, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते। जब तक सोचोगे कि ब्रह्मांड को परमात्मा ने बनाया, गलती हो जाएगी, रास्ता भटक जाएगा। जब देखोगे, अनुभव करोगे कि ब्रह्मांड का ही दूसरा नाम परमात्मा है, दिशा मिल जाएगी, अंधकार मिट जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा। परमात्मा का अर्थ है दोनों विरोध एक साथ। जो विरोध दिखाई देते हैं लेकिन विरोधी है नहीं, वास्तव में सहयोगी है। जैसे अपनी पिछली वीडियो में मैंने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को समझाया है, पूरा ब्रह्मांड विरोधी शक्तियों के कारण ही अस्तित्व में है, यही प्रकृति का नियम है। शिव कोई मनुष्य जैसे नहीं है, वो केवल आपको समझाने की बात है। शिव अर्थात सृष्टि जो विरोधी तत्वों से मिलकर बन रही है, शिव अर्थात ब्रह्मांड जिसका निर्माण ही विरोध से हो रहा है, शिव अर्थात परमात्मा। परमात्मा क्या है, स्त्री या पुरुष? एक ही समय में एक ही साथ स्त्री भी और पुरुष भी, या फिर आप कह सकते हैं कि न तो स्त्री ना ही पुरुष। अगर आप इसमें छुपी सच्चाई को देख पाए तो आप समझ पाएंगे कि यह सब उस समय का विज्ञान है, बस तब की भाषा अलग है, समझाने का तरीका अलग है। उस समय के लोग ठीक से ऊर्जा को समझ पाए तो मनुष्य रूप में इन ऊर्जाओं को समझाया गया है, चित्र बनाकर समझाया गया। ठीक ऐसे जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन प्रकार की ऊर्जा, तीन प्रकार की शक्तियां, इनके चित्र केवल आपको समझाने के लिए हैं। ब्रह्मा जो शक्ति सृजन करती है, महेश जो कि मिटाती है, और विष्णु जो दोनों का संतुलन है। ठीक ऐसे जैसे किसी कार के एक्सीलरेटर और ब्रेक, इन दोनों के बीच में चालक जो दोनों को नियंत्रित करता है। लेकिन मूर्ता देखते हो, क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना दी जाती हैं। ऐसी कहानियां बनाने के लिए एकदम मूड आदमी की जरूरत है। जितना ज्यादा मूड उतनी ही उसमें ऐसी कहानी लिखने की योग्यता। शिव पार्वती एक ही हैं, दो हैं ही नहीं। पहले तो दोनों को अलग अलग कर दिया, परमात्मा को दो हिस्सों में बांट दिया, फिर परमात्मा का विवाह। और क्या करेंगे बेचारे, कैसे परमात्मा को बिना विवाह के सहन करें। फिर पार्वती एक दिन नहा रही है, हल्दी का उपटन लगाया है, जब उपटन को उतारा तो उससे एक बालक बना दिया, जिसे अपनी सुरक्षा के लिए द्वार पर बिठा दिया। किससे सुरक्षा करनी थी पार्वती को। उधर से शिव आए, ना तो पुत्र ने पिता को पहचाना,
न पिता ने पुत्र को, अपने ही पुत्र पर क्रोधित हो गए। एक छोटे बालक के साथ वो ऐसा व्यवहार करते हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं? फिर निर्दोष निहत्थे बालक की गर्दन काटने में भी देर नहीं लगाई। देखते हो परमात्मा को कितना क्रूर और हिंसक बना दिया। एक छोटा बालक और काट दी गर्दन। फिर कहीं शिव को पता चलता है कि ओहो ये तो गलती हो गई, परमात्मा से भी गलती हो गई, जो सारी सृष्टि को जानते हैं उनसे भी गलती हो गई। फिर हाथी की गर्दन काटकर लगा दी और मूर्ता देखते हो। कितने ही व्यक्ति आम कहते हुए पाए जाते हैं कि वो पहली ट्रांसप्लांटेशन थी, पहला अंग प्रत्यारोपण का ऑपरेशन हुआ था। फिर चूहा दे दिया सवारी करने को, हाथी का सिर और चूहे की सवारी, बस गणेश जी लड्डू ही लड्डू खाए जाते हैं और कोई भोजन नहीं, बस लड्डू, बोर भी नहीं होते। फिर ना जाने कैसे एक दिन चमत्कार घट जाता है, अचानक गणेश जी लड्डू को छोड़कर दूध पीने लगते हैं। विश्व के तमाम मंदिरों के गणेश एक ही दिन दूध पी रहे हैं। और देखा होगा आपने भी, जिसको देखो दूध का लोटा लेकर जा रहा है गणेश जी को दूध पिलाने, और दूध नालियों से बहता हुआ बर्बाद हो रहा है। कुछ तो समझो, थोड़ा तो देखो, थोड़ा तो असली बात को पकड़ने का प्रयास करो। क्या ऐसे अंधविश्वासों से आप सत्य को पाएंगे? क्या यही आपका लक्ष्य है? थोड़ा सा मैंने प्रयास किया आप जान सकें कि आपकी बेड़ियां क्या हैं, आपके पिंजरे क्या हैं जिनमें आप कैद हैं। किसी भी ध्यान, किसी भी साधना से पहले बहुत जरूरी है कि आप व्यर्थ की तथाकथित आध्यात्मिकता से मुक्त हों। नकली अध्यात्म और असली अध्यात्म में फर्क कर सकें। जो भी आप करते हैं, पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन, जो कुछ भी, उनको समझ सके, ठीक से जान सके। जो भी करें होशपूर्ण होकर करें। बचपन में जो विचार आपके मन में डाल दिए जाते हैं फिर वो जीवन भर आपके साथ चलते हैं, आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। जो भी चल रहा है फिर आपको सब सही लगने लगता है। एक छोटे बच्चे के पास कोई तर्क नहीं होता। जो भी माता पिता कहते हैं उसे लगता है कि वही सही है। उसे लगता है कि मेरे माता पिता सब कुछ जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, जबकि ये सब एक दुष्चक्र है। आपके माता पिता के साथ उनके माता पिता करते हैं, आपके साथ आपके माता पिता करते हैं, और आप अपने बच्चों के साथ करने लगते हैं। अच्छा है कि आप ईमानदार बने। जो आप नहीं जानते अपने बच्चों से कहें कि आप नहीं जानते। उनको अपनी बुद्धि से विकसित होने दें, उनको अपनी धारणाएं नहीं दें, ताकि वो अपनी खोज कर सके, उनका दिमाग बेहतर हो सके, तार्किक हो सके, वो अंधविश्वास में नहीं फंसे और ना ही किसी के शोषण का शिकार हो, उनकी अपनी बुद्धि विकसित हो। विचार एक शक्ति है, शक्ति दोनों तरफ काम कर सकती है, आपके रूपांतरण में भी और आपके विनाश में भी। ठीक आग की तरह, आग से आप भोजन भी बना सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। समझ चाहिए, गहरी समझ चाहिए। आपको आपका विचार ही निर्मित करता है। जैसे गलत विचारों के कारण, कुछ थोथी धारणाओं के कारण आप अंधविश्वास में प्रवेश कर गए,
जैसे नकली अध्यात्म को ही असली अध्यात्म समझ लिया, झूठ को ही सत्य जान लिया, ठीक वैसे ही सही विचारों को अगर आप बार बार सुने और समझें तो आपके मन पर पड़ी धूल हट सकती है, सभी बादल छंट जाएंगे, सभी धुंध छंट जाएगी। मिटी धुंध जग चानन होया, जब भी आपके भीतर के ज्ञान का दिया जलता है तो सारी धुंध समाप्त हो जाती है। सबसे पहले आपको देखना है, ठीक से देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है। ध्यान साधना सब उसके बाद की बात है। आप चाहते क्या है, ध्यान क्यों करना है, जाप क्यों करना है, परमात्मा को क्यों जानना है, स्वयं को प्राप्त करके क्या होगा, इन सबको ठीक से देखना आ जाए, समझना आ जाए। अगर इनको बिना समझे ही आप इनमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आप एक अंधी दौड़ का शिकार हो जाएंगे जो आपको कहीं भी नहीं लेकर जाएगी, केवल आपको भूल भ्रमियों में भटका देगी। आपका लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य हो सकता है? आपको जीवन मिला है और आपको मिला है एक संसार। इसी संसार में आपने अपने जीवन को अच्छा बनाना है, आनंदित बनाना है। आपके जीवन में शांति हो, आपके जीवन में संगीत हो, आपका जीवन खिले हुए फूलों की तरह हो, मुरझाया हुआ नहीं। आप यहां आनंद लेने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। ठीक ऐसे जैसे आप किसी पहाड़ पर घूमने जाते हैं और वहां के जंगलों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, वहां के झरनों को देखकर आनंदित होते हैं। आपके जीवन की सफलता का अर्थ है कि आपने जीवन को कितने आनंद से जिया या फिर जीवन को ढोया। जीवन आपके लिए फूल बना या बोझ? आपने कितने पैसे कमाए, आपने कितनी जायदाद इकट्ठी करी, यह कोई सफलता नहीं। लेकिन आपने जीवन को जिया या खो दिया, यह असली बात है। आप यहां अकेले आते हैं और अकेले ही संसार से जाते हैं। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपना जीवन अपने स्वयं के अर्थों में जीना है। इसे ठीक से समझ लें। अगर आप जीवन को किसी दूसरे के अर्थों पर जी रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो बच्चे हो, कोई भी हो, तो सब गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने ही अर्थ देखने हैं, क्योंकि तभी आप प्रफुल्लित हो सकते हैं, तभी आप जीवंत हो सकते हैं। आप अपने माता पिता के लिए या अपने बच्चों के लिए जो भी करना चाहते हैं, आप सही अर्थों में तभी योग्य होंगे जब आपका जीवन प्रफुल्लित होगा। अगर आपका ही जीवन मरा हुआ है तो किसी भ्रम में नहीं रहे, ना तो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, ना ही किसी और के लिए। जो मैं कह रहा हूं यह तथ्य बहुत ही संवेदनशील है। जानता हूं कि बहुत से मित्र मेरी बातों को सही प्रकार से समझ भी नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि यह तो स्वार्थ हुआ। हां, यह सही है, यह स्वार्थ है। लेकिन जैसे आप स्वार्थ शब्द को देखते हैं, जैसे इस शब्द को तिरस्कृत किया गया है, गलत समझा गया है, वो बिल्कुल ही गलत है। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं के अर्थ। जो स्वयं के अर्थ भी नहीं समझ सकता, वो किसी और के अर्थ समझ पाएगा? जरा सोच लेना ठीक से। पहले अपना जीवन बचाना पड़ता है, तभी आप दूसरों का भी जीवन बचा सकते हैं। इसके लिए कभी फिर मैं बहुत विस्तार से बात करूंगा, ताकि आप मेरी बात को ठीक से समझ पाएं।
ध्यान है आपके भीतर का जागरण, ध्यान है अपना दिया स्वयं बनना। अप दीपो भव, अपने दिए आप बनो, कोई दूसरा आपका दिया नहीं जला सकता। ठीक ऐसे जैसे कोई दूसरा आपके लिए सांस नहीं ले सकता। सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ध्यान है स्वयं के साथ होना, अपने ही साथ होना। उपवास का शाब्दिक अर्थ है समीप रहना, अपने स्वयं के समीप रहना। जो स्वयं के समीप होता है वही परमात्मा के समीप होने में सक्षम है। उपवास का अर्थ अनशन नहीं है। सबसे शक्तिशाली ध्यान है कुछ समय के लिए अकेला हो जाना, शरीर से ही नहीं, मन से भी, विचार से भी। एक तो संसार है आपके बाहर, वैसा ही संसार आपके भीतर भी है, जो लगातार आपके मन में चलता है, जो आपके विचारों में चलता है। लेकिन आप देखें, अकेलापन आपको असहनीय लगता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी के भी साथ रह सकते हैं लेकिन अपने साथ ही नहीं रह सकते। आप अपने को देखना ही नहीं चाहते। अपना ही साक्षात्कार करना सबसे कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि आप कम से कम तीन चेहरों में जीते हैं। पहला, जो आप समझते हैं कि आप हैं। दूसरा, जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तीसरा, जो आपका वास्तविक चेहरा है, जिसका आपको भी नहीं पता, जिससे कभी आप मिले ही नहीं। दूसरे आपके भीतर बुराई देख सकते हैं लेकिन आप स्वयं नहीं देख सकते। प्रकृति ने एक विशेष खूबी डाली है, हर व्यक्ति में डाली है। अगर उसे जरा सा भी पता चल जाए कि वो बुरा है, अगर उसको अंदर से एहसास होने लगे कि वो बुरा है, तो कुछ पल भी जीना कठिन हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो, अगर कोई चोरी करता है या कोई और बुरा काम करता है, तो उसे भीतर ही भीतर किसी प्रकार अपनी छवि की रक्षा करनी पड़ती है। उस नकली छवि की रक्षा करनी पड़ती है जिसे उसने निर्मित किया है, उस चेहरे की रक्षा करनी पड़ती है जो कि वह समझता है कि वो है, जिसको कि उसी ने बनाया है। क्या हुआ, मैंने 1 लाख की चोरी कर ली, लोग तो करोड़ों की चोरी कर रहे हैं। दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों से तुलना करके, कहीं ना कहीं हर पल वो अपनी नकली छवि को सिंहासन से गिरने नहीं देता, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसा व्यक्ति पूरी दुनिया में खोजना मुश्किल है जो कि स्वयं को अपने भीतर से बुरा समझता हो। इसीलिए तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो अपनी नकली छवि को ना संभाल सके, तो बहुत से व्यक्ति उस समय पर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि नकली छवि के बिना जीना असंभव है। जब आप अपने साथ होने लगते हो तो धीरे धीरे आपका स्वयं से ही परिचय होने लगता है। आपको पहली बार पता चलता है कि आप वो नहीं हैं जो कि अभी तक आप अपने को मानते रहे। आप अपने लिए ही अजनबी प्रतीत होने लगते हैं। वास्तव में आप आज भी अपने लिए अजनबी हैं। आप बाहर सबको जान सकते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते। आपका स्वयं को जानना शुरू हो जाता है। जो भी आप में बुराई है और जो भी आप में अच्छाई है, सब साफ साफ दिखाई देता है। जैसे भीतर कोई सूर्य का उदय हो जाए, भीतर का अंधेरा समाप्त हो जाए।
जब भी कहा जाता है कि ध्यान से भीतर प्रकाश हो जाता है, तो बहुत से व्यक्ति पूछते हैं कि कैसे भीतर की रोशनी दिखाई देगी। उसका अर्थ ऐसा नहीं है, यह गलत समझा जाता है। उस रोशनी का अर्थ है जब काला और सफेद, अच्छाई और बुराई, जब आपका असली स्वरूप आपको दिखाई देने लगे, आपको समझ आने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। जैसे ही आप किसी भी बुराई को अपने भीतर ठीक ठीक देख लेते हैं, बस देख लेना ही पर्याप्त है, उसके लिए और कुछ भी नहीं करना। उसे जान लेने भर से वो बुराई बच नहीं सकती, छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है, बिना किसी प्रयास के छूट जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अभी आप नहीं जानते कि तपस्या के अर्थ क्या है, यही सबसे कठिन तपस्या है, यही तप है। जो इस तप में तप गया वो कुंदन हो गया, वो प्रकाशमान हो गया। उसके जीवन में ना तो कोई ढोंग होगा, ना कोई पहला दूसरा चेहरा होगा, ना कोई अंधविश्वास होगा, ना उसे किसी ग्रंथ की जरूरत है, ना किसी गुरु की और ना किसी बाहर के दिए की। उसके भीतर का अपना दिया जल गया। जब तक आपका दिया नहीं जलता, तब तक तुम कितने ही दिवाली के दिए जला लो, तुम कितनी ही पूजा के दिए जला लो, बाहर के दिए काम नहीं आएंगे। एकमात्र दिया तुम्हारे भीतर का, वही जलाना पड़ेगा और कोई मार्ग नहीं। उसे आपके लिए ना तो कोई गुरु जला सकता है, ना कोई परमात्मा। उसे केवल स्वयं तुम ही जला सकते हो। आप थोड़ा सा मोक्ष को भी समझ लें। आपको लगता है कि कोई परमात्मा आपको बार बार जन्म दे रहा है, आपके जन्मों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं, आपकी वासनाओं से, आपकी इच्छाओं से इसका संबंध है। किसी परमात्मा को जरूरत नहीं है कि वो आपको जन्म दे, आपकी अपनी ही वासनाएं और इच्छाएं जो कि अधूरी रह जाती हैं, वही आपको फिर जीवन में लेकर आती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कहीं आप घूमने जाएं और वहां घूमने के सैकड़ों स्थान हो, लेकिन आप दो चार को ही अभी देख पाए और वापिस जाने वाली बस तैयार हो गई। बस ने कहा कि चलो, समय समाप्त हुआ, अब वापिस चलना है। आपके मन में रह जाए कि अभी तो कितने ही स्थान रह गए, न मैंने वो झरना देखा, न मैंने वो पहाड़ देखा, न वो जंगल देखा, और वापिस जाने का समय आ गया, अधूरा रह गया और बस आपको वापस ले गई। लेकिन ये ऐसी बस नहीं जो आपको अधूरा छोड़ दे, फिर से दोबारा बस आपके द्वार पर आ जाएगी कि आपने कहा था कुछ अधूरा छूट गया, चलो फिर दोबारा जो पहले अधूरा रहा उसे पूरा कर लो, फिर छूट जाए तो फिर पूरा कर लेना। जब तक सब कुछ देख नहीं लेते, तब तक बस आपके लिए हाजिर होती रहेगी और अपने समय पर वापिस आती रहेगी। एक ही मार्ग है, परम संतुष्टि। इसके लिए बहुत से तथाकथित धर्म और धार्मिक व्यक्ति आपको त्याग करने को कहते हैं, जो कि मेरी नजर में असंभव है, क्योंकि आप बाहर बाहर से ही त्याग कर सकते हैं, लेकिन भीतर आपके मन का त्याग बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसलिए मेरा रास्ता त्याग नहीं है, मेरा रास्ता भोग का है,
मैं कहता हूं सब कुछ भोग लो, भोग लो, लेकिन होशपूर्ण होकर, क्योंकि होश के बिना आप पूर्ण भोग भी नहीं पाओगे, फिर भोग भी अधूरा रह जाएगा, फिर आपका होश ही आपको बताएगा कि जो भोग रहे हो वो भोगने योग्य ही नहीं। आप त्याग नहीं करते, आपका त्याग अपने से ही हो जाता है। आप कुछ भी नहीं छोड़ते, सब छूट जाता है और आपको प्राप्त होती है परम संतुष्टि, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। आपके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि फिर कोई आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे कुछ भी नहीं। कोई पूछे कि परमात्मा तो चाहिए, आप कहेंगे नहीं, परमात्मा भी नहीं, मोक्ष चाहिए, नहीं, मोक्ष भी नहीं, अब कुछ भी नहीं। जैसे ही यह स्थिति प्राप्त होती, जैसे ही आप इस अवस्था में आते हैं, तो फिर मांगना नहीं पड़ता, मोक्ष हो जाता है। मोक्ष की कोई इच्छा नहीं, दूर दूर तक सोच भी नहीं, और मोक्ष घट गया। जब तक मोक्ष के पीछे भागो तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जब सब कुछ देख लोगे, फिर बस आपके द्वार पर फिर से आपको ले जाने के लिए वापस नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो देखना था देख लिया, अब कुछ भी नहीं बचा। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है, होश को जगाने के लिए ध्यान करना है, शून्य में प्रवेश करने के लिए ध्यान करना है, स्वयं को जानने के लिए ध्यान करना है। आज मैंने कहा कि सबसे पहले अपनी बेड़ियों को, अपने पिंजरों को पहचानो, गहरी समझ के साथ देखना सीखो। मैंने तो एक आधी उदाहरण दिया, बाकी पूरे जीवन में ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें आप स्वयं देख सकते हैं। इसने कहा है, उसने कहा है, फलां शास्त्र में लिखा है, ये सब के सब आपको भटकाने के लिए है। जब तक स्वयं की समझ में ना आ जाए, जब तक स्वयं ही परीक्षण ना कर लें, जब तक हर क्रियाकलाप पर आप संशय ना कर लें, तब तक सबको झूठ मानना। और मैं आपको कहता हूं कि आप आजमा लो, अगर आपके मन में कोई डर है तो उसे निकालकर बाहर फेंक दो, आपका नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान तो अंधविश्वास कर रहा है, नुकसान तो तभी हो रहा है जब आप डरपोक बन रहे हैं। परमात्मा को पाना है, परमात्मा का अनुभव करना है, तो परमात्मा की आंख में आंख डालकर देखना सीखो। डरो नहीं, घबराओ नहीं, और कुछ मांगो नहीं। भिखारियों को कभी कुछ नहीं मिलता, केवल भीख मिलती है। सम्राट बनो, सम्राट मांगते नहीं हैं, लेकिन बहुमूल्य उपहार मिलते हैं। जो भी बातें मैं आपसे कह रहा हूं किताबी नहीं है, मेरा स्वयं का अनुभव है। रास्ता आपको दिखा रहा हूं, आप चल कर देख लें, मैंने देखा है और आप देख लें। अंत में आपको ध्यान के संगीत के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत ही कम मित्र संगीत का लाभ उठा पा रहे हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया, आज फिर एक बार बता रहा हूं। संगीत आपको शून्य में प्रवेश करवाने के लिए सहयोगी है। जो आप गीतों में संगीत को सुनते हैं, ध्यान का संगीत उससे एकदम अलग होता है। आप अगर कोई गीत सुनते हैं तो एक दो बार में ही आपकी उससे पहचान हो जाती है, आपको पता होता है कि आगे कैसे सुर हैं, कैसे शब्द हैं, आप उसके आदि हो जाते हैं। लेकिन इस संगीत को विशेष प्रकार से बनाया जाता है। इस संगीत में एक रहस्य है, इस संगीत में कुछ भी निश्चित नहीं। आप इससे अपनी पहचान बना ही नहीं सकते। आप इसको हजारों बार सुने
तो भी आपको इसका कुछ भी याद नहीं रह सकता। जैसे आप ब्रह्मांड में चले जाएं, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आप कितना भी चलते जाएं, आपके लिए सब कुछ अजनबी रहेगा। जहां से आप एक बार गुजर जाएं, आप वापस दोबारा वहां से गुजर ही नहीं सकते। ध्यान के संगीत ऐसे रास्तों की तरह हैं, जिसे आप कितनी ही बार सुने, हर बार आपके लिए नया रास्ता है। ये संगीत आपको विस्मय लोक में प्रवेश करवाते हैं, जहां आपके सभी विचार रुक जाते हैं, जहां आप शून्य में प्रवेश कर सकते हैं। और शून्य में प्रवेश का अर्थ है परमात्मा में प्रवेश। ध्यान संगीत को ठीक से प्रयोग करें। यह ऐसा नहीं है जैसा कि आप किसी गाने को सुनते हैं। आपको अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा देना है। आपको अपने पूरे शरीर को कान बना देना है। रोम रोम में यह संगीत उतर जाए। संगीत में जितने भी स्वर बजाए गए हैं, वो आपके मन को ध्यान में रखकर बजाए गए हैं, आपको विस्मय लोक में ले जाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन संगीत अपने से ही काम नहीं कर सकता, उसमें आपको पूरा सहयोग करना है। इसे ऐसे करना है जैसे कि आप किसी अत्यंत सूक्ष्म काम को कर रहे हो। जब भी अपना 100% ध्यान आप संगीत पर केंद्रित कर देते हैं, आपका प्रवेश हो जाता है। किसी भी संगीत को एक समय में एक ही बार प्रयोग करें। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 बार इस पर ध्यान करें और कम से कम 1 बार। प्रयोग करने का सबसे उत्तम समय वही है जब आपका भाव गहरा हो और आप पूरी तरह से सहज हो। जरूरी नहीं कि आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में प्रयोग करें। अपनी सहजता को देखें और समझें। अगर सुबह जिस समय भी आप उठते हैं, चाहे आप 5 बजे उठते हैं, चाहे 8 बजे, चाहे उससे भी लेट, निवृत्त होने के तुरंत बाद आप इसे प्रयोग करेंगे, तो ये आपके लिए अति उत्तम है। इसी प्रकार रात्रि में सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखों को बंद करके इसे प्रयोग करें और इसे सुनते सुनते ही नींद में प्रवेश कर जाएं। आपकी नींद की पूरी गुणवत्ता ही बदल जाएगी। आज की वीडियो के अंत में 5 मिनट का एक ऐसा संगीत दे रहा हूं जिसका नाम X17 है, X17 है। इस संगीत को विशेष रूप से आपको विस्मय लोक में ले जाने के लिए तैयार किया गया है। अगर 30 मिनट के इस संगीत को आप मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सहयोग राशि केवल 100 रुपये है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको सभी संगीत वर्ड लिंकर्स चैनल पर ही मिल सकें, इसके लिए आप चैनल के सदस्य भी बन सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ध्यान के प्रयोग की विधियां भी सदस्यों को उपलब्ध हो रही हैं। 4 वीडियो अभी उपलब्ध हैं और 1 महीने के भीतर भीतर और बहुत सी निर्देशित ध्यान की वीडियोस भी आ जाएंगी, जिनमें आप अपनी सांस के साथ बहुत से प्रयोग कर पाएंगे और आप अपनी सांस की शक्ति को समझने के योग्य हो पाएंगे। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 89 रुपये प्रति माह देने हैं, 89। जहां सब्सक्राइब का बटन है, वहीं पर ज्वाइन का बटन भी दिखाई देगा। जो मित्र चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, वो सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर या डायमंड मेंबर बनकर अपना सहयोग दे सकते हैं, जिसके लिए राशि 199, 1999 और 3999 प्रति माह है। लेकिन सभी मेंबर्स के लिए सभी सुविधाएं एक ही हैं, चाहे आप 89 रुपये दें, चाहे 3999। जो मित्र ध्यान की ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पुष्पम योगशाला के नंबरों पर संपर्क करके अपना समय ले सकते हैं। आप अपनी बेड़ियों को पहचान कर और अपने कैद खानों को जानकर इन्हें तोड़कर बाहर हो जाएं, खुले आकाश में विचरण करें। आप अध्यात्म के असली स्वरूप को पहचाने, अपनी स्वयं की खोज करने में सक्षम हो। अज्ञान और अंधविश्वास से बाहर आकर वास्तविक परमात्मा को अनुभव कर पाए। आपका जीवन स्वर्ग बने, आप परम संतुष्टि को प्राप्त करें और अपने जीवन में ही मोक्ष को अनुभव करें और मुक्त हो जाएं। आप अपनी समस्त वासनाओं से, समस्त इच्छाओं से मुक्त हों। आपकी कोई मांग नहीं हो, आप लेने वाले नहीं देने वाले बने, सम्राट बने और अपने आनंद को पूरे संसार में फैलाएं। आनंद का झरना बन जाएं, जो भी आपके पास आए वो आपके आनंद में भीग जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप आज के 5 मिनट के संगीत पर ध्यान करें। धन्यवाद।